जन्नत की सिर्फ एक सिफत ऐसी है कि अगर वही हमें दुनिया में मिल जाए ना, तो वो जन्नत की बाकी नेमतें ना भी मिलें तो हम उसको तरजीह देंगे। वो क्या है? वहां मौत नहीं है। अगर दुनिया में हमें कोई ये कहे कि जिना मत करो, शराब मत पियो, सिगरेट छोड़ दो, नमाजों की पाबंदी करो, वालदैन की इताअत करो, हलाल कमाओ, हराम बोलो ना मत कमाओ, दाढ़ी रख लो, बदनजी छोड़ दो, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखना छोड़ दो, ये करो वो करो, जो भी इस्लाम के अहकाम हैं, आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं, हमेशा के लिए ज़िंदगी मिल जाएगी, मौत नहीं आएगी। फिर कोई कहेगा कि यार ये तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है यार, हराम छोड़ना। आप बोलोगे क्या करना है ऐसे हराम का, मर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना, छोड़ो सूखी रोटी पे गुजारा कर लूँगा, लेकिन हराम की तरफ। अल्लामा मुनावी रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम गुजरे, उन्होंने फरमाया कि जन्नत अगर मिट्टी के घरोंदे की होती ना, मिट्टी की, उसमें डिफेंस के बंगले ना होते, मिट्टी की होती और सूखी रोटी चाय में डबो के, चाय तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, सूखी रोटी मिलती जन्नत में, चाय में डबो के खाओगे, जन्नतियों को ये कहा जाता, फिर भी जन्नत इस दुनिया से बेहतर थी। क्यों है? हमेशा के लिए। यहाँ जो दुनिया में जो सबसे बड़ा ऐब है ना, वो क्या है? मौत। सबसे बड़ा ऐब क्या है इस दुनिया का? मौत। और इससे कोई भाग नहीं सकता।